ऑडियो जंगल खबर बलिया जनपद से है। जहाँ जनपद के रशा पोस्ट ऑफिस कार्यालय जाने का मुख्य मार्ग पर जल जमा होने से ग्राहकों को हो रही परेशानी। लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा हर समय मंडरा रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस का खतरा तो दूसरी तरफ गंदे पानी के जल जमाव के संक्रमण का खतरा। जब इस सिलसिले में पोस्ट मास्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह पोस्ट ऑफिस का भवन किराए की बिल्डिंग में चल रहा है और मकान मालिक और विभाग में किराए को लेकर कुछ विवाद है। इसी कारण पोस्ट ऑफिस के आने जाने के मुख्य मार्ग पर जल जमाव काफी समय से है, जिसको कई बार खुद मकान मालिक को इसको सही कराने के लिए कहा, लेकिन मकान मालिक कुछ करने को तैयार नहीं है। ऐसे में विभागीय और मकान मालिक के किराए के विवाद में ग्राहकों को कब तक इस परेशानी को झेलना पड़ेगा? क्या संक्रमण के दायरे में आने पर उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं अक्षय कुमार, पोस्ट मास्टर रसड़ा। आपके डाकखाने में आते समय मेन रास्ते पे काफी जल जमाव है, जिससे यहाँ पे आने वाले ग्राहकों को काफी दिक्कत हो रही है, गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। सर, इस पे आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? मकान मालिक, किसी की प्राइवेट मकान है, ये मकान मालिक से कहा गया कि उस पर रबी सबिस डलवा दीजिए, क्योंकि काफी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि ठीक है डलवा देंगे, लेकिन अभी तक पड़ा नहीं। संक्रमण का समय चल रहा है, एक कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है, और एक तरफ गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है ग्राहकों को। अगर नया संक्रमण हो जाए उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसके जिम्मेवार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आखिर आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं अभी तक आपके विभाग द्वारा? उनसे, मकान मालिक से प्राइवेट व्यक्तिगत रूप से कहा गया कि जो मिट्टी डलवा दीजिए, हमारे उन्होंने कहा कि ठीक है डलवा देंगे हम जो है, लेकिन अब तक नहीं डलवा, क्योंकि मकान मालिक डखाने और मकान मालिक के बीच में किराए का मामला चल रहा है, किराया उनका काफी दिनों से बढ़ा नहीं है। डखाना और मालिक के बीच जो लटकने अटकी है उसमें ग्राहकों कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए क्या मतलब आपके विभागीय कोई कार्रवाई होगी क्या? उच्च अधिकारियों को संज्ञान में है, उसके लिए जो है डायरेक्टर महोदय भी आए थे गोरखपुर से किराया बढ़ाने के लिए, लेकिन अब तक उनका किराया बढ़ा नहीं है। इसी कारण जल जमाव की स्थिति बनी जी।